अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और आज मैं पाक व्हील्स की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ। आज की वीडियो का बेसिक मकसद है हम आपको बताएंगे कि किस किस टाइप की बैटरीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, उनके क्या प्रोज क्या कॉन्स हैं और कौन सी बैटरी मेरे ख्याल से आपको यूज़ करनी चाहिए। वैसे तो अगर हम देखें तो तीन किस्म की बैटरी की टाइप है, एक लिक्विड बैटरी जो कि मेंटेनेंस वाली है, एक मेंटेनेंस फ्री एंड देयर इज अ ड्राई सेल बैटरी। पाकिस्तान में कन्वेंशनली ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं बैटरी, जिसको तेजाब वाली बैटरी भी कहा जाता है, लेड एसिड बैटरी होती है जो कि मेंटेनेंस वाली होती है, जिसमें आपको उसके ऊपर पानी फिल करना पड़ता है। काफ़ी अरसे से हम देखते आए हैं, बचपन से मैं देखते आया हूँ, गाड़ियों के ऊपर सबसे ज़्यादा मसला उसका ये था कि जब आप उसके अंदर तेजाब दोबारा डालते हैं अगर वो स्पिल ओवर कर जाए तो गाड़ी की बॉडी पे निशान छोड़ता है, या नीचे जहाँ पे बैटरी जिस जगह पे रखी जाती है उसके नीचे अक्सर आपको जंग लगा नजर आएगा। उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज जो मेंटेनेंस वाली बैटरी है उसमें आपको बार बार पानी डालना पड़ता है, जिसकी वजह से वो पानी गिरता भी है और उसके निशान भी पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं खुद पर्सनली बहुत तंग था। सो मेंटेनेंस फ्री जो बैटरी है पाकिस्तान के अंदर, मुझे पता लगा कि जो एसिड वाली बैटरी है उसमें मेंटेनेंस फ्री बैटरी भी अवेलेबल है। कन्वेंशनली जो ड्राई सेल बैटरी है उसका भी फायदा यह था कि उसके अंदर आपको मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। मेरा इशू यह था कि मेरी गाड़ी जो ज़्यादातर खड़ी रहती हैं और एक कॉन्सेप्ट मार्केट में ये था कि जो आपकी ड्राई सेल बैटरी है वो एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाए तो दोबारा चार्ज नहीं होती है, उनकी जो लाइफ है उसका इशू था। प्लस आई वांटेड समथिंग जिसके जो बेसिकली मेरी गाड़ी है ये रोटरी गाड़ी है RX7 और इसका जो क्रैंकिंग है ना उसको इनिशियल जो वोल्टेज है गाड़ी की स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आई वॉज इन सर्च ऑफ अ बैटरी जो जिसके CC है, जिसको आप बोलते हैं क्रोल्ड क्रैंकिंग एम्पेरेज जो होता है वो ज़्यादा हो। तो मुझे पता लगा कि डेवू जो बैटरी है उसका CC है मार्केट में अवेलेबल तमाम बैटरियों से ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैंने अपनी RX7 के अंदर जो है डेवू बैटरी यूज़ की और तकरीबन अब ये 2 साल हो गए मेरे पास यूज़ हो रही है, सेकंड बैटरी आई एम यूजिंग। और मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये गाड़ी काफ़ी अरसे से खड़ी है, कम यूज़ होती है क्योंकि एवरीडे ड्रिवन गाड़ी नहीं है, फिर भी इस गाड़ी की जो क्रैंकिंग है वो गाड़ी की जो बैटरी है उसकी वजह से जो मुझे फ़ायदा ये है कि मैं उसको जब स्टार्ट करता हूँ तो वो गाड़ी उसको इंस्टेंट करंट मिलता है और गाड़ी की स्टार्टिंग जो है बेहतरीन है। तो ये भी आपके सामने है, आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, काफ़ी दिनों से खड़ी थी गाड़ी, तो ये आपके सामने पहले सेल्फ में स्टार्ट हो गई है। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इसकी प्लेसमेंट का, जो मैं आपको बता रहा था कि एसिड ना गिरने की वजह से फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी की जो बॉडी है या जहाँ पर बैटरी आती है वो जगह सेफ़ रहती है। इस बैटरी में अगर आप दिखा सकें ये कैमरा आ रहा है तो बिल्कुल टोटली एक तो सील्ड है, दूसरा अगर आप बैटरी की हेल्थ देखना चाहते हैं तो आपको बैटरी के साथ साथ एक हेल्थ इंडिकेटर भी दिया हुआ है जिससे आप जिसके कलर के मुताबिक आपको बता देता है कि बैटरी की हेल्थ कितनी है। मैं फिर बताता चलूँ क्योंकि गाड़ी मेरी ज़्यादातर खड़ी रहती है तो उसके लिए मैंने इस बैटरी को इसलिए चूज़ किया कि एक तो इसका कोल्ड क्रैकिंग जो एम्पेरेज है वो सबसे ज़्यादा है मार्केट में। एक और चीज़ मैं यूज़र्स को बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पर एक जो है ना दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि जब आप कोई भी बैटरी लेने जाते हैं तो उसका मॉडल नंबर जो है वो जो सिग्निफाई करता है वो उसके एम्पेरेज को है। सो लेट्स से इफ़ यू आर बाइंग अ बैटरी मॉडल जो गाड़ी को आपको समझ लें कि 85 एम्पेयर चाहिए, सो सिंपल बाहर ये आपके पास फॉर्मूला है कि आप मार्केट में जाएं जिस गाड़ी का बैटरी मॉडल जिस बैटरी का जो मॉडल है वो 85 समथिंग से शुरू हो रहा है, दिस मीन्स कि उसके 85 एम्पेयर हैं। बट पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं है और मार्केट में मैंने देखा एक प्रैक्टिस ये है जनरली कि आप कोई भी बैटरी लें जो उसका मॉडल नंबर है और उसके एम्पेयरेज मैच नहीं करते। सिमिलरली अगर आप अपनी गाड़ी की बैटरी लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की एम्पेयरेज रिक्वायरमेंट कितनी है, तो आप उससे बड़ी एम्पेयर की बैटरी तो लगा सकते हैं, छोटी जो बैटरी है वो आपकी गाड़ी के जो सिस्टम्स हैं उनको ख़राब करेगी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है उनके ऊपर ड्रेनेज बनेगा और गाड़ी जो है आपको लॉन्ग टर्म में मसला देगी। ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में तो जनरली आपको ऐसी बैटरी चाहिए होती है जिसकी जो क्रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यूज़र्स को बताता चलूँ कि जब आप मार्केट में बैटरी लेने जाते हैं तो इंटरनेशनली जो है ना एक स्टैंडर्ड ये है कि आपकी गाड़ी की जितनी रिक्वायरमेंट एम्पेयरेज की है ना तो बैटरी का कोड जो सिग्निफाई करता है वो आपके एम्पेयरेज को करता है। बट उसको पाकिस्तान में आपने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि मैं भी इनिशियली करता आया हूँ कंफ्यूज़, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है ये फॉलो नहीं होता और आपके जो बैटरी का मॉडल नंबर है और उसके एम्पेयरेज के आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सो अगर हम इस बैटरी को देखें जो मैंने अभी अपने हमर में डाली है, सो अगर आप बैटरी कोड देखें जो कि 120 है, सो वन वुड थिंक जो कि मैं भी पहले समझा था कि 120 एम्पेयर की बैटरी है, बट उसको अगर आप डिटेल उसके ऊपर देखें तो आपको बैटरी के ऊपर ही लिखा आ जाएगा कि 92 एम्पेयर की बैटरी है। सो आपने मॉडल नंबर और एम्पेयरेज को कंफ्यूज नहीं करना, आप जब भी बैटरी लेने चाहें आप उसके जो ये एम्पेयर लिखा हुआ 92 AH ये इसकी एम्पेयरेज है, ये मॉडल नंबर है, इसको आप समझ लें कि ये आपके लिए वैलिड नहीं है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि बैटरी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है वो उसका कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयरेज है कि जब गाड़ी को वो आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम ठंडे में तो वो कितनी जल्दी उसको एम्पेयरेज देता है, ये उसका एक फिगर है। सो इस बैटरी के अगर आप CC ये देखें तो ये भी लिखे हुए 750 एम्पेयर, और मेरी रिसर्च के मुताबिक डेवू बैटरी जो है उसका पाकिस्तान में मौजूद जितनी बैटरी हैं उनमें सबसे ज़्यादा CC है। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ कोल्ड स्टार्ट के लिए आपको बेहतरीन बैटरी चाहिए तो ये उसके लिए बड़ी मौजू है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस बैटरी के साथ एक बैटरी इंडिकेटर भी दिया गया है और उसके बारे में जो ग्लॉसरी है वो भी यहाँ पे दी गई है, तो अगर आपको बैटरी इंडिकेटर ग्रीन बता रहा है तो वो गुड है,
वाइट है तो आपको बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत है, और अगर ये रेड हो जाता है तो आपको बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो इस बैटरी में बेहतर है दूसरी बैटरियों से वो ये है कि अगर आप नॉर्मली देखें, हम अपने सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और पेजेस पे देखते हैं कि पिछले दिनों गाड़ियों में आग लगने के वाकयात बहुत ज़्यादा हो रहे थे। एक तो वो एक्सेसरीज़ के साथ मसला था, दूसरा लोग जो काम कराते हैं आफ्टर मार्केट चीज़ों का, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके ऊपर आप लोगों को यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जिस बंदे से काम करा रहे हैं एक तो वो उसको काम को जाने, तीसरा जो इसमें फैक्टर होता है बिकॉज हम रैली वगैरह पे भी जाते हैं तो गाड़ी की जो बैटरी है ना वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अक्सर केसेस में हमें पता लगा कि जो बैटरी है वो एक्सप्लोड कर सकती है। इस बैटरी के डिज़ाइन को इस तरह किया गया कि इसमें जो आपके बेसिकली एसिड इमिशन है वो रोकती है, एट द सेम टाइम जो हीट है वो उसको वहाँ से इमिज करने से रोकती नहीं है, और इसके जो जो है ना एक्सप्लोजन के चांसेज जो हैं वो आम अगर आप बैटरी से कंपेयर करें तो बहुत कम है या ना होने के बराबर है। तो उस लिहाज से ये तीनों लिहाज से अगर हम इनको कंपेयर करें जो आपकी कन्वेंशनल बैटरी थी ये उससे बेहतर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कन्वेंशनल बैटरी से गाड़ी को क्या नुकसान होता है। अगर आप ये देखें इस गाड़ी के अंदर पहले जो है कन्वेंशनल बैटरी इस्तेमाल की गई है और उसमें जब भी किसी ने एसिड चेंज किया है या डाला है तो उसके जब ड्रॉप्स गिरे हैं तो आप देख सकते हैं गाड़ी के पेंट के ऊपर ये सारे निशान हैं। सिमिलरली इस तरह गाड़ी की अक्सर बॉडी के ऊपर भी जब ये गिर जाता है तो निशान छोड़ता है, और अगर आप ये दिखा सकें यहाँ पर तो नीचे भी बैटरी की जो बेस है ना सारी उसके भी वो सारे वहाँ पर एसिड गिरने की वजह से निशान होते हैं। सो फाइनली आई गॉट रिड ऑफ दैट ऑल्सो। तो मेरी जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब में ये तमाम में अभी ये मेंटेनेंस फ्री जो है एसिड बैटरी लगी हुई है, और ये सारी गाड़ियों में जो बैटरी इस्तेमाल मैंने की है मेरी तमाम गाड़ी में वो डेवो बैटरी है, और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मुझे डेवो ने कोई पैसे नहीं दिए ना ही ये बैटरी उन्होंने फ्री दी है। आई होप इस वीडियो के बाद जो है वो लाइफ टाइम सप्लाई मेरी फ्री हो जाएगी बैटरीज की, बट अभी तक नहीं हुई। ये बैटरी जो है डेवो की, इसका आपको फ़ायदा ये कि बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट से कंपनी से पहले से इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ आता है और आपको बैटरी जो है गाड़ी की तैयार मिलती है, एज अपोज टू जो कन्वेंशनल बैटरी थी उसमें आपको नहीं पता उन्होंने किस किस्म का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जो उसकी लाइफ को जो है बेहतर बनाता है। एक और चीज़ मेरे ख्याल से मार्केट में दिस इज़ द ओनली बैटरी जो कि एक साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ मिलती है। इससे पहले अगर आप देखें तो कन्वेंशनली पाकिस्तान में बैटरियों की जो वो थी वारंटी वो एक साल की होती थी, फिर उसके बाद उसको छः महीने कर दिया गया, और उसके अंदर भी एक बहुत डिफिकल्ट सा फॉर्मूला है जिसके तहत अगर आपकी कभी बैटरी ख़राब हो जाए तो आप लेके जाते हैं तो उस पर कोई डिप्रिसिएशन पड़ती है और एक वो चार्ट आपके सामने दे देंगे, सो आपको ऑल टुगेदर एक नई मैथमेटिक्स सीखनी पड़ती है। सो इन दिस केस आपको एक साल की मुकम्मल रिप्लेसमेंट वारंटी है विदाउट एनी क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। सो दिस इज़ द रीज़न मैंने अपनी तमाम गाड़ियों में जो है डेवोो बैटरी का इस्तेमाल किया है। एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमेशा बताता हूँ मैं, बेशक वो बैटरी हों या बेशक टायर्स हों उनकी भी एक लाइफ होती है और उनकी जो प्रोडक्शन टाइम है वो बहुत मैटर करता है। इस केस में ये बैटरी जो है पाकिस्तान में इनका प्लांट लगा है स्टेट ऑफ द आर्ट, और ये पाकिस्तान में ही बन रही है और कोरियन एक्सपर्ट्स हैं जो इस बैटरी को बना रहे हैं। सो व्हेनेवर यू बाय दिस बैटरी यू आर श्योर कि आप एक फ्रेश बैटरी ले रहे हैं, और उसकी ज़मानत ये है कि कंपनी जो है वो एक साल की वैसे भी वारंटी दे रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक अपने दिमाग को बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैटरी लगाना चाहते हैं, अपनी गाड़ी को इन्जॉय करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक और मिसकंसेप्शन जो मेरे दिमाग में थी जब मैंने बैटरी पहली बार ली थी कि शायद ये खाली स्पेशलिटी गाड़ियों के लिए, बिकॉज इसमें मैंने आपको बताया कि मैंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल अपनी जो रोटरी इंजन RX-7 में किया, उसके बाद हमर में किया, लेकिन जब मैंने इसको रिसर्च को थोड़ा ज़्यादा किया तो मुझे पता लगा कि मार्केट में तमाम गाड़ियों के लिए जिसमें आप मेहरान से लेके बड़ी से बड़ी गाड़ियों के लिए बैटरी अवेलेबल है। तो उसके बाद मैंने अपनी सिविक में करोला में तमाम गाड़ियों में इसी बैटरी का इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, और एक पीस ऑफ माइंड है कि एक तो आपको एक साल तक के लिए उसके बारे में टेंशन कोई नहीं है, और अगर कोई चीज़ होती है तो कंपनी उसके बाद से जो है उनके सर्विस सेंटर पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं जहाँ से हम उसकी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। सो व्यूअर ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राह से आगाह ज़रूर किया करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।